व्हाट डिड यू लर्न, आप वहां जाके सीखे क्या, हर एक टाइम पे अलग अलग कुछ सीखोगे आपके लिए, तो उसमें क्या सीखे आप? 2010 में जब घर से बाहर भोपाल आए तो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पहली बार घर छोड़ा और उसके बाद नेशनल्स खेलने के लिए बाहर गई, तो फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि जब उन्हें पता चला स्पोर्ट्स के बारे में, और इवन पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेली एक ऐसी लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स के लिए बाहर आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर आए हैं पर स्पोर्ट्स के लिए मैं अकेली ही बाहर आई हूँ। और फिर जब कैनोइंग की जर्नी स्टार्ट हुई तो एक जुनून था कि हाँ बस अभी करना है, कुछ भी करके बस अचीवमेंट देने, बहुत सारे अवार्ड्स लेने और बहुत सारे मेडल्स लेने हैं, ये सारी चीजें। तो पता ही नहीं चला कि ये 10 साल 11 साल कैसे कैनोइंग में निकल गए और ट्रेनिंग के लिए गई, तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। हर कंट्री अलग 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 कंट्री से अलग अलग चीजें सीखने मिलती है कि कैसे हम अपने ट्रेनिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को अप कर सकते हैं, और कैसे अगर हमारे साथ डाउनफॉल आता है तो हम उसमें कैसे खुद को उन सारी चीजों से बाहर निकाल के अच्छा अपना परफॉर्मेंस जो है वो कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग चीजें सीखी है। मैंने सीखा टी जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मतलब हमारी इवेंट जो है सिंगल डबल फोर सब में होती है, पर अगर हम साथ टीम के साथ में ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है।